नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होकर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर भाजपा की सरकार को खाड़ फेंकने का आह्वान किया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय पर आज सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। पार्टी कार्यालय पर पहले एक सभा का आयोजन पार्टी के जिला महासचिव मुनीष त्यागी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आज पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरा होने पर उसकी याद में देश की भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रदर्शन करेंगे और यात्रा निकालेंगे। यात्रा के दौरान जिले के प्रभारी लव कश्यप ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हुआ है कि आम आदमी की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद ही उनकी पार्टी सरकार दो प्रदेशों में बनी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही भाजपा सत्ते में है और उनकी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्ण रूप से सफल रही है। देखिए, उद्देश्य ये है हमारा, 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, जो हमारे भारत के कोने कोने से होकर गुजरी है, जिसमें देश का हमारे जो प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को जानने की कोशिश जो हमारे नेता ने की थी, उसकी एक साल की वर्षगांठ पे पूरे देश के अंदर प्रत्येक ज़िले के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा को दोबारे से जीने का काम कर रहा है, उस यात्रा को दोबारा से निकालने का काम कर रहे हैं। क्या यात्रा असफल नहीं रही दोबारा आप तैयार करें? देखिए, वो यात्रा असफल नहीं रही थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो यात्रा का जन्मदिन है, वर्षगांठ के रूप में हम लोग इसको मनाने का काम कर रहे हैं। यात्रा की सफलता का जो रीजन था वो आप देखिए, यात्रा की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, यात्रा के बाद हमारी पार्टी ने दो दो प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए उसके बाद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ा हुआ। आप देखेंगे कि उसके बाद जो गठबंधन बनने का काम जो हुआ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं, आप देखेंगे एक नया नया प्रोपेगेंडा चलाने का काम करे। इस यात्रा का ही प्रभाव है कि आज जनता की आवाज़ इस सरकार के कानों तक जाने का काम हुआ है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।